कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, तो हम लोग सिंपली चलेंगे। वेक्टर बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि वेक्टर जैसा चीज लगे। देखो कोई भी कैरम बोर्ड जब आप लेते हैं ना, तो याद रखिए कि वो एक स्क्वायर फॉर्म में होता है कैरम बोर्ड। ऑब्वियसली सब कोई कैरम बोर्ड आप जानते ही। अब देख हुआ क्या कि कोई एक पर्टिकुलर गोटी था, बीच में आप इसको क्वीन से हिट किए, तो ये ऐसे सामने से गया और ऐसे रिबाउंड करके पीछे वाला जो होता उसमें ऐसे जाके ऐसे इंटर कर गया। क्या आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना कि जो फेनोमेनन होता वो तो आप एनालाइज कर ही चुके होंगे क्या हो रहा है। Yes, तो अभी मान लो जैसे ये पूरा का पूरा स्क्वायर है तो 4 फीट है, तो आधा हो गया 2 फीट हम लोगों का। तो यहां से अगर हम x डिस्टेंस मानते हैं तो क्या यहां से 2 - x हुआ। अब देखो कैरम बोर्ड है ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक पे फॉलो होता है। कैरम बोर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, इसका मतलब जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा ना उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। क्या तुम्हें समझ में आया? कैरम बोर्ड में जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी सेम, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझते हैं आप? यस सर। तो अभी देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा हुआ, और ये एंगल थीटा है तो ये थीटा। अब आप ट्रायंगल CAB इन ट्रायंगल CAB क्या हम लोग tan theta is equals to perpendicular by base x by 2 लिख सकते हैं। उसी तरह इन ट्रायंगल BED क्या हम लोग फिर से tan theta is equals to perpendicular 2 - x by base पूरा 4 लिख सकते हैं। दोनों tan theta है। अगर ये दोनों tan theta है तो इसका मतलब है कि x by 2 जो है वो 2 - x/4 के साथ बराबर है। x by 2 जो है वो 2 माइनस, इससे ये 2 और 2 से ये क्या 2x is equals to 2 - x, x इधर भेज दो, 3x is equals to 2 या फिर x is equals to 2/3। ये x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया कि कहां वो टकराएगा। अब x आ गया तो अब पहला क्वेश्चन देखो, तुमसे पूछा गया था फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट क्वीन फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज। सेंटर टू फ्रंट एज सेंटर टू फ्रंट एज इसका मतलब हम लोग सी भी फाइंड आउट कर रहे हैं ना। सेंटर से फ्रंट एज इसका मतलब हम लोग सी भी फाइंड आउट करें, तो सी बी को क्या हम लोग लिख सकते हैं CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अंडर रूट CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो CA हो गया हम लोग का अंडर रूट 2 और ए बी हो गया हम लोग का x, x का मतलब 2/3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना आंसर। सेकंड पूछा फ्रंट एज टू होल, सेकंड पूछा है फ्रंट एज टू होल। फ्रंट एज टू होल का मतलब है बीई निकालना, और बीई निकालने का मतलब है अंडर रूट बीडी का स्क्वायर और प्लस डीई का स्क्वायर। बीडी का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 - x, सो 2 - 2/3 का स्क्वायर, और डी का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा आंसर। और थर्ड आपसे बोला गया सेंटर टू होल, सेंटर से होल हम तो बोलेंगे एक बार में आंसर ये 2√2 होगा। वैसे आप देख लो सेंटर टू होल इसका मतलब सीई निकालना है, तो सी का मतलब हो गया अंडर रूट परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, दोनों 2 का स्क्वायर है, तो सॉल्व कर लीजिएगा 2√2 आ जाएगा। क्या आप समझे? यस सर। अच्छा चलो हम अपने से दो क्वेश्चन ऐड करते हैं अगर हम तुमसे बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कवर बोलो क्या निकालने से टोटल डिस्टेंस कवर निकलेगा। सीबी प्लस बीई प्लस पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल सीएई सर सीबी प्लस बीई। वेरी गुड, दैट डिस्टेंस इज सिंपली
सीबी प्लस बीई हो गया ना, सीबी प्लस बी। और अगर हम तुमसे बोले डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या निकालना है, सी। वेरी गुड, सी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या समझ रहे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, इन चार में से एक ना एक जरूर आता है। डेरिवेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, एकदम बढ़िया से, खाली इंटीग्रेशन है, बस चीज समझना है। मान लो जैसे इस रास्ते पे एक बॉडी है जो आगे की तरफ चल रहा है, t equals to 0 टाइम पे उसका इनिशियल वेलोसिटी था u और उसका एक्सेलरेशन है a और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ओके। तो t equals to t टाइम पे उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया b, ये है s equals to 0 और ये है s equals to s डिस्टेंस कवर्ड। तो जब बॉडी मेरा आगे की तरफ बढ़ रहा है, इट विल हैव इट हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आप जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा ये तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब कि अगर आपका एक्सेलरेशन किसी क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन 2t दिया है, बता दोनों में से कौन सा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ऐसा डाटा है तो आप इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट में कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगता। तो सबसे पहला चीज दिमाग में रखना कि जो टॉपिक, जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप आज पढ़ रहे हैं, दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन दैट केस वेयर एक्सेलरेशन रिमेंस कांस्टेंट। Did you get this? दिमाग में गया ये बात? Yes, sir. ठीक, तो हम एकदम उसको बढ़िया से लिख देते हैं, आप उस चीज को ध्यान रखिएगा। If acceleration is constant, then only equation of motions कैन बी यूज। अगर आपका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते, ठीक है? तो क्या है भाई इक्वेशन ऑफ मोशन? तो देखो हम लोगों के पास चार इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक है v equals to u plus at, दूसरा है s is equals to ut plus half at square, थर्ड है v square is equals to u square plus 2s, और फोर्थ है sn is equals to u plus a by 2 bracket में 2n minus 1। ये आपके लिए नया होगा, लेकिन इन सबको आप पहले से जानते हैं। इन सब में एक लाइन याद रखिएगा, इन सब में एक लाइन याद रखिएगा कि v जो है वो वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है। a एक्सेलरेशन है ऑब्वियसली, t आपका टाइम है, और जो आपको s दिख रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? इन सब का, इसमें से तीन का डेरिवेशन आप लोअर क्लास में भी किए, तो वहां आप क्या कर रहे थे ना, एरिया निकाल के काम कर रहे थे, आपको याद है? ट्रेपेजियम के एरिया से, ट्रायंगल के एरिया से आप वैल्यू सब निकालते थे। लेकिन आज जो आप करने जा रहे हैं वो इंटीग्रेशन का यूज होगा। इंटीग्रेशन सबसे पहला, हम लोग डिराइव करें v इक्वल्स टू u प्लस at को। क्या आपको याद है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt? चलो ये बताते जाना। तो क्या हम यहां से dv इज इक्वल टू a डॉट dt लिख सकते हैं? अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज a तो कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dt, लिमिट देखना बहुत सावधानी से, लिमिट देखना, टाइम का लिमिट 0 से t, टाइम का लिमिट 0 से t, वेलोसिटी का लिमिट u से v,
क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप सब कोई समझे इस बात को? यस सर। जीरो से टी, यू से भी, डीबी का इंटीग्रेशन होता है भी, यू से भी, ए डीटी का इंटीग्रेशन होता है टी, जीरो से लेकर टी तक। इसमें पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो बी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या फिर बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस इतना ही छोटा सा डेरिवेशन, चार लाइन में हो गया है। एक्सेलरेशन से स्टार्ट करना है, यू गेट दिस। तो बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। एक चलो एक और कर लेते हैं, यहां जगह एक और कर लेते हैं। दूसरा हम लोग के पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो इसको करते हैं। जैसे ये वाले में एक्सेलरेशन से आप स्टार्ट किए थे, यही हम बोलेंगे कि जब आप डेरिवेशन को स्कूल स्कूल के लिए याद करें ना, तो आप बस देख ले कि स्टार्टिंग किससे हुआ है। एक बार स्टार्ट को पहचान लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद मैथमेटिकली एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, काम खत्म। जिस तरह यहां a equals to db by dt से स्टार्ट हुआ, यहां स्टार्ट होता b equals to ds by dt। तो आप ds लिखेंगे b dot dt। अब आप ही सोचिए, आप तुरंत अभी लेफ्ट में निकाले b equals to u plus at। सो ds is equals to b के जगह u plus at into dt। इसका मतलब ds is equals to u dot dt एंड एपी डॉट डी टी। दो बार नाउ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। चलो भाई दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएसएस, यू बाहर डी टी का इंटीग्रेशन, ए बाहर टी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन। तो अब फिर से लिमिट, फिर से लिमिट। टाइम का लिमिट जीरो से टी, एस का लिमिट जीरो से एस। टाइम का लिमिट जीरो से टी, टाइम का लिमिट जीरो से टी, एस का लिमिट जीरो से एस। सो डीएस का इंटीग्रेशन हुआ एस जीरो से एस, यू बाहर डीटी का इंटीग्रेशन टी जीरो से टी, ए बाहर टी का इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू ना। क्या इंटीग्रेशन सही है? अरे बोलो बोलो, इंटीग्रेशन पढ़ के आया ना। नहीं पढ़ा? तो s माइनस जीरो इज u, t माइनस जीरो प्लस a t स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू। सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस at स्क्वायर बाई टू, या फिर आपके हिसाब से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास इंट्रोडक्शन है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन से क्वांटिटी का क्या मतलब होता है। ये तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेशन, ये तुम्हारा सेकंड डेरिवेशन। दिमाग शांत करके आराम से डेरिवेशन करो, 5 मिनट समय लो, कोई डाउट हो पूछ लो, नोट करो बढ़िया से। यहां लोग स्टार्ट किए वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डीएस बाय डीटी, या एस है ना डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, ठीक है। तो क्या हम डीएस को लिख सकते हैं वी डॉट डीटी। अब वी के जगह यू प्लस एटी तो हम लोग अभी डिराइव किए, तो जहां वी था वहां यू प्लस एटी लिख दिए। डीटी से यू मल्टीप्लाई यू डॉट डीटी, एटी से डीटी मल्टीप्लाई। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर, नो सर। उसके बाद हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन किए, तो डीएस में इंटीग्रेशन का साइन दिए। यू तो कांस्टेंट होता है, इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं करता, पता है ना आपको, इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं करता। अब मान लो हम स्टार्ट किए थे 5 मीटर पर सेकंड से चलना, तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद मेरा फाइनल वेलोसिटी अलग अलग होगा, मेरा यू तो 5 ही रहेगा। नहीं समझा? समझ। तो u कांस्टेंट होता है, भी वेरिएबल होता है, वेलोसिटी जो फाइनल है वो वैरी करता है। 1 मिनट के बाद कुछ और, 2 मिनट के बाद कुछ और, 5 मिनट के बाद कुछ और, सबका u तो सेम है।
तो यू अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल गया डीटी का इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट था ही टी डॉट डीटी का इंटीग्रेशन। तो डीटी देख हम लोग सीखे है ना डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, उसी तरह डीटी का इंटीग्रेशन टी हो गया और टी का इंटीग्रेशन पावर वन था तो वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, सो टी स्क्वायर बाई टू, समझे? यस सर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस ए बाहर, टू कांस्टेंट, अपर लिमिट टी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट जीरो स्क्वायर, सॉल्व की यही आया। बोलो समझा? यस सर। चलो ठीक, अगला देखो थर्ड। b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा, इसमें एक नया चीज आप सीखिएगा। आप पढ़े हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv / dt। एक्सेलरेशन ये देखो एक नया मॉडिफिकेशन है, ध्यान से। ds से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv / ds और ds by dt। समझा क्या? t इधर चला गया, ds इधर आ गया। अब जरा बात करो, a dv by ds और ds by dt को भी लिख सकते हैं? बोलो yes, ds by dt yes, को भी लिख सकते हैं? अब ds को इधर ले आओ, a dot ds is equals to v dot dv, या फिर आप लिख सकते हैं इसी को v dot dv equals to a dot ds। हम एक इंपॉर्टेंट चीज लिखना चाहते हैं, हम एक इंपॉर्टेंट चीज लिखना चाहते हैं आपके लिए, आप इसको नोट की तरह दिमाग में रखिएगा। एक्सेलरेशन का इक्वेशन dv by dt भी होता है और एक्सेलरेशन का इक्वेशन v dot dv by ds भी होता है। बोलेगा सर ये कहां से आप ले आए, तो हम वही तो बोल रहे हैं, जरा देख ले भाई यहां से लेके यहां तक देख ले, क्योंकि जब अगले दिन से आएगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे एक्सेलरेशन के जगह पे भी डीवी बाई डी एस। समझा सबको ही? नहीं समझा सर, अभी क्या बोले? फिर से सुन, हम बोल रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन में टाइम रहेगा तो एक्सेलरेशन के जगह डीवी बाई डी टी लिखना, और अगर एक्सेलरेशन में एस रहेगा पोजिशन उजिशन तो एक्सेलरेशन को भी डीवी बाई डी एस लिखना। लिख सकते हैं ना भी डीवी बाई डी एस? देखो कैसे एडजस्ट किए 1 2 3 4 लाइन में। यस सर, समझ गए। तो आज से याद रखिएगा कि केवल एक लाइन मत याद कीजिएगा। अभी तक आप लोग केवल ये याद रखे हैं ना डीवी बाई डी टी, ये तो आपको याद हो गया होगा अभी तक। तो ये बराबर होता भी इंटू डीवी बाई डी एस का भी, ये भी याद रखिएगा। समझे क्या आप? दो बार हो गया, समझ गए होंगे। Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। अब यहां से आगे बढ़ो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dv, a इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dv, ए बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। चलो जी लिमिट सोचो, एस का लिमिट जीरो से एस तक और भी का लिमिट यू से भी तक। बोलो भी का इंटीग्रेशन कितना, अपने से बोलो। अरे बोलो बोलो, वी माइनस यू भी, इसको छोड़ देना यार, भी का इंटीग्रेशन बता, क्या भी स्क्वायर बाई टू होगा? Yes, sir. Yes, sir. सबको सबको यस ऐसे ही नहीं बोलना, क्या समझा? सबको बोलो तो अपना माइक ऑन करके, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और लिमिट यू से भी, तुमको लिमिट से इंटीग्रेशन को मतलब नहीं ना, लिमिट से तो बाद में मतलब। यहाँ ए डीएस का इंटीग्रेशन, बोलो बोलो, एस होगा, एस होगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ चल, अब लिमिट यूज होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, और यहां होगा a s माइनस जीरो, सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू और यहां है a s,
बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, या यू उधर चला गया, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। देख लो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर, सब क्लियर सर। चल बढ़िया, अगला क्वेश्चन, अगला वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमको थोड़ा सा काम करना है। ये इक्वेशन है एसेंथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन। ये इक्वेशन क्या है पहले उसको समझो। टी इक्वल्स टू जीरो टाइम से कोई बॉडी चलना स्टार्ट किया और टी इक्वल्स टू एन तक चला, जैसे कोई बॉडी है 10 सेकंड तक चला, 10 सेकंड तक चला, तो अगर हम बोलेंगे कि 0 से 10 सेकंड तक का उसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो तुम क्या करेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में t के जगह 10 सेकंड पुट कर देगा, सही ना? पता वो कितना आएगा, वो आएगा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, उसको हम sn कहते हैं, nth नहीं sn। अब जरा सोचना कि अगर हम बोले कि 10 सेकंड नहीं भाई 9 सेकंड तक का बात कर, 9 सेकंड तक का बात करो, तो भाई उसी में 9 सेकंड लगा देना, यहां से यहां तक आ जाएगा एस एन माइनस वन। सुनिएगा बहुत केयरफुली, 10 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टी के जगह 10 पुट कर देंगे। फिर अगर 9 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t के जगह 9 लिख देंगे। अब सोच कि अगर हम तुमसे बोले कि केवल 10वें सेकंड में, 10वां, 10th, केवल 10th सेकंड में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालो, अब क्या करेगा? तो पहले 10 सेकंड में निकाल लेंगे सर, फिर 9 सेकंड में निकालेंगे, फिर 10 में से 9 सेकंड वाले को माइनस कर देंगे, तो 10वें सेकंड में जो डिस्टेंस कवर है, डिस्प्लेसमेंट है, वो निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना? सर रिपीट कीजिए ना, वो नेटवर्क प्रॉब्लम का ऑडियो कट हो गया था। अच्छा ठीक है सुनो, 10 सेकंड्स, 9 सेकंड्स, 10th सेकंड, तीनों में अंतर समझा? Yes, 10 सेकंड में मान लो x चला, 9 सेकंड में मान लो y चला, बताओ 10th सेकंड में कितना चला? x minus y, x minus y। बस बस, वेरी गुड। तो क्या ये sn, sn minus sn minus 1 होगा? Yes sir, yes sir। क्या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? No sir। कोई भी किसी को अगर इश्यू है अभी बोल दो, क्योंकि उसी पर हम डेरिवेशन कर देंगे। अब तो देखिए, 10th सेकंड का मतलब n, ये 9th सेकंड का मतलब n माइनस 1, और ये 10th सेकंड का मतलब है n माइनस 1, ओके, मतलब nth, nth, 10, 10th, समझे क्या? यस सर, ओके, ओके, वेरी गुड। नाउ से दिस, सेंस v इक्वल्स टू ds बाय dt, देयरफॉर ds इज इक्वल्स टू v डॉट dt, ds इज इक्वल्स टू u प्लस at डॉट dt, ds इज इक्वल्स टू u डॉट dt और प्लस at डॉट dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन करना है दोनों तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ डीएसएस यू इंटीग्रेशन ऑफ डीटी प्लस एटी डॉट डीटी। लिमिट, बी केयरफुल अबाउट लिमिट, लिमिट पे ध्यान रखना, समझना, यहां पे टाइम का लिमिट जीरो से एन नहीं है, याद रखना, आपको केवल यहां से यहां तक का ही चाहिए, तो मेरा टाइम का लिमिट n माइनस 1 से n होगा, क्या समझा? यस
एन माइनस वन से एन, एन माइनस वन से एन, और यहां डिस्टेंस में ऑलरेडी देखो एसएन तक है, एस एन माइनस वन से एसएन तक। सबको अपना दिमाग शांत करके पहले इसको समझो, किसी को अगर नहीं समझ में आया पूछो। टाइम टाइम एन माइनस वन से एन, एन माइनस वन से, जैसे नाइन से टेन, नाइन से टेन, और डीएस डिस्टेंस कवर्ड इन नाइन सेकेंड टू डिस्टेंस कवर्ड इन टेन सेकेंड। यस सर, कोई दिक्कत yes, किसी को भी? नो नो सर। चलो तो यहां डीएस का इंटीग्रेशन हो गया एस, एस एन माइनस वन से एस एन तक, यू डीटी का इंटीग्रेशन टी एन माइनस वन से एन तक, प्लस ए टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू एन माइनस वन से एन तक। चलो अब सॉल्यूशन करना है, सॉल्व कर देना। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे एस एन माइनस एस एन माइनस वन। देखो देखो यहां पे एस एन माइनस एस एन माइनस वन, यू टी के जगह पे एन माइनस वन, प्लस ए यहां जगह का हमें देख लेना एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर बाई टू, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर बाई टू। अब जरा देखो अपने से देखो, यहां देखो फिगर देखो कहीं बनाए होंगे, हाँ यहां देखो इसको देखो गौर से। Sn माइनस Sn माइनस वन का मतलब Sn हो गया, यू एन माइनस एन प्लस वन प्लस ए बाई टू, थोड़ा यहां जगह समझना, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन होगा, एन एन कैंसिल या एन स्क्वायर कैंसिल, प्लस वन होगा। हाँ अच्छा ठीक है, अंदर में प्लस वन होगा लेकिन बाहर तो एक माइनस लगा है ना। सर अब ठीक है, यू प्लस ए बाई टू, अंदर देखो टू एन माइनस वन आया। यस सर, वैसे ये क्वेश्चन अच्छे से समय दे के नोट करो, डाउट हो फिर से पूछ लो, ऐसा नहीं कि सर से दो बार पूछ लिया बहुत हो गया, अगर डाउट है फिर से पूछ लो, नोट करो बढ़िया से। सर वो राइट साइड में सेकंड लास्ट वाला में क्या लिखा लास्ट, ये वाला? नो सर, इसके बगल वाला, इसके लेफ्ट वाला, ये सर इस साइड वाला, इसके लेफ्ट साइड वाला, ये वाला उसके बगल वाला कॉलम में लास्ट वाला लाइन। यस सर, उसमें वो टी स्क्वायर के नीचे क्या लिखा, टी स्क्वायर बाई टू है यार। यस सर, कितना सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ देखो, क्लियर नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, नोट करो बेटा। सर हाँ, चलिए फोर्थ थोड़ा लास्ट वाला डेरिवेशन सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के जैसा ही है। नहीं देखो आप है ना, आप एक्चुअली दो चीज को मिलाने जा रहे हैं, आप एक्चुअली वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से मिला रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है ना। आप कैसे बोल सकते, आप कैसे बोल सकते हैं कि मास और लेंथ में कंपैरिजन नहीं ना कर सकते आप? सर मिला नहीं रहे सर, वेलोसिटी में वहां पे था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे, हां सर इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, ये एक सेकेंड का इंटरवल पे बात है, जबकि आपका वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे अगर हम बोले तो हम आपको बोल सकते हैं कि 10.23 सेकेंड्स पे निकालो, समझे? यस सर। लेकिन इसमें क्या होगा, 10 और 11 के बीच, 9 और 10 के बीच, 4 और 5 के बीच, एक सेकेंड का ये गैप, ठीक है? ओके सर। सबका हो गया? Yes, sir, फिर से एक बार सबको रीचेक कर लेंगे, किसी को कोई डाउट है पूछ लेंगे, नहीं तो रफ करेंगे आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट किसी का? सर बोलो। सर एस एंथ और एस एन में क्या डिफरेंस है?
जो डिफरेंस है कि 10 सेकंड में टोटल डिस्टेंस और 10वें सेकंड में डिस्टेंस, दोनों में अंतर आप समझ रहे हैं? यस सर। 10 सेकंड में हो सकता है आप 50 मीटर चले होंगे, लेकिन 10वें सेकंड में हो सकता है आप केवल 12 मीटर चले हैं। यस सर। वही डिफरेंस हो रहा है एसएन और एसेंथ में, ठीक है? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं और क्लियर हो जाए। चलो डेरिवेशन एकदम इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। हम देखे स्टूडेंट लोगों को बहुत बहुत मार्क करता है, ऐसा ऐसा तीन चार लाइन खींच के बोलता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो और क्या, नहीं तो घर में थोड़ी छूट आएगी यार। ऑनलाइन सुबह 4 बजे से क्लास, क्या मजा आएगा? डरो मत, ठीक है? अभी सोने का मौका है, प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, देखते चले क्वेश्चन। अ बॉडी हैव इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड, देखिए एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन दे रहे, आपको तुरंत बताना है। देन फाइंड ए वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स, बी डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड्स, सी वेलोसिटी आफ्टर इट ट्रेवल 20 मीटर्स एंड डी डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। चलो ये चारों फॉर्मूला पे बस 4 इक्वेशन दिए, फटाफट बनाओ और आंसर बताओ। हो गया जी सभी का? तो भाई चलिए थोड़ा सा सॉल्व भी कर लिया जाए। फर्स्ट वाला हम लोग बना रहे थे तो v इक्वल्स टू u प्लस 80, u का वैल्यू कितना तो 6, a का वैल्यू कितना 2 टाइम 3, सो इट इज 12 मीटर पर सेकेंड। जब हम लोग सेकेंड वाला बना रहे हैं तो आपके पास है डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर, तो u का वैल्यू कितना है तो 6, टाइम का वैल्यू कितना है तो 6 प्लस आप एक्सेलरेशन कितना है 2 और साथ में कितना है 6 का स्क्वायर, तो सब सॉल्व किया आप लोग तो 72 मीटर आ गया। जब आप थर्ड बना रहे हैं तो आप फॉर्मूला यूज करें v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, सो इट इज 6 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन की जगह पे 2 और s के जगह पे कितना भाई 20, तो ये हो गया 36 और 80 कितना हो गया भाई 160. तो v is under root 116 मीटर पर सेकंड। और फिर जब आप इसमें फोर्थ के लिए गए, d के लिए गए, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एसेंट ना सर, एसेंट वाला u प्लस a by 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1, u है हम लोगों का 6, एक्सेलरेशन है 2 by 2, फोर्थ सेकंड तो 2 into 4 माइनस 1, सो इट इज 6 प्लस 8 माइनस 1 7, 13 मीटर, सही ना? यस सर। चारों सही हुआ होगा, आई होप सो, किसी को कोई डाउट नहीं होगा? नो सर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। ये एक टावर है, इस टावर के ऊपर एक मैन खड़ा है और मैन के हाथ में एक बॉल है, उसको वो नीचे की तरफ फेंका है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। आप तो ऑब्वियसली जानते हैं कि नीचे की तरफ का एक्सेलरेशन जी है ना, और इसका वैल्यू आप 10 लेके चलिएगा। अगर इस टावर का हाइट है 100 मीटर, फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड सेकेंड पोजिशन
ऑफ बॉल एट t = 4 seconds. चलो बनाओ खुद से, बॉल का वेलोसिटी और बॉल का पोजीशन 4 सेकंड पे बताना है। देखो जो अभी तुम लोग भेजा है ना हमको, यहाँ पर कोई भेजा है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा, ये हम लोग को अभी थोड़ा समय लगेगा इसमें डिस्कशन में, ठीक है। जब तक हम लोग वहां पहुंचेंगे नहीं तब तक हम लोग इसको अभी कर नहीं सकते। इसमें अभी हम लोग और एक एक्सेलरेशन डिसेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, तभी हम लोग इसको बता पाएंगे। हाँ जी सूरज, क्या बोल रहे थे? शायद कुछ आप बोल रहे हैं जो हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। यू और भी क्या है? अरे यू इनिशियल वेलोसिटी है, भी फाइनल वेलोसिटी है, समझे? अरे यार तुम ऐसे ही भेज रहा हूँ, उसको देख रहे हैं ना कि क्या डाउट हो रहा है, ठीक है? सर आ गया दोनों। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बोलो वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना आया? सर रूट अंडर 2004। सबका आया? यस सर। तो सिंपली b इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है? u के जगह पे कितना लगा दें? तो 2 लगा दें। a के जगह पे कितना लगा दें? 10। और टाइम कितना ले लें हम लोग? 4 सेकंड। सो इट इज 42 मीटर पर सेकंड। और दूसरा कि पोजीशन ऑफ बॉल बताना है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगो, u का वैल्यू कितना? 2। टाइम कितना लेना है? 4 सेकंड प्लस हाफ, ए का वैल्यू लेना है 10 और टाइम लेना है 4 का स्क्वायर। सो इट इज 8 प्लस कितना? 100 ना, 108। ये तो गलत हो गया यार, पता चला तुमको? थोड़ा सा ठीक कर लेना इसको, 120 कर लेना, मेरा टावर छोटा पड़ गया। तो ऊपर से 108 मीटर नीचे, मतलब बॉल यार जमीन से, देखो 120 इसलिए कर दिए ना क्योंकि यहां 100 लिखा हुआ था, उसमें तो टकरा जाएगा, और जमीन से 12 मीटर ऊपर यह बॉल। क्या समझे सब कोई? देख s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर किए तो 108 मीटर आ गया। तो ऊपर से 108 मीटर है, हमसे गलती हो गया, हम यहां 100 मीटर दे दिए ना, गलत हो गया ना। 108 मीटर जमीन खोद के अंदर थोड़ी ना चला जाएगा, वो 108 नहीं आएगा, कितना आएगा वो? कितना आ रहा? अच्छा सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक, 88 आ रहा ना। सही, ठीक है भाई, ठीक है, सॉरी 88 कैलकुलेशन मिस्टेक। चलो 12 में देखें, ठीक है। तो ये था आज के लिए तुम्हारे पास, मेन था कि आज हम 4 इक्वेशन को आपको बताए हैं। हम आप लोग अगले दिन जब इसमें लेके चलेंगे नेक्स्ट डे,